Good morning to everyone. We are doing the chapter Redemption of Debentures. And I have done the introduction in the previous lecture. We have done a sum, which was a basic sum, which was redemption out of capital. Today we will see redemption out of profit. So उसके लिए एक important type है debenture redemption reserve, which we had discussed in the introduction chapter, introduction lecture. We had discussed कि इसमें क्या होता है कि when you are doing a debenture redemption reserve, a special reserve is created, which is debenture redemption reserve. Part of the profit is transferred here. लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं? Here I will also be doing the journal entries. कि 15% of the nominal value of the debentures, which are going to be matured in the coming end of the year, उसका हम 15% अमाउंट, जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर विच इज गोइंग टू बी रिडीम्ड इन दिस सपोज इन दिस 31st मार्च इन दिस ईयर एंड, तो उसको हम उसका 15% अमाउंट, वही जो वैल्यू है उसका 15% हम इन्वेस्ट करते, उसका 15% हम क्या करते, इन्वेस्ट करते. वॉट एवर अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स आर टू बी मैच्योर्ड, मतलब आर टू बी रिडीम्ड इन द ईयर एंड, उसका 15% अमाउंट हैज टू बी इन्वेस्टेड. तो वो पहले इन्वेस्टमेंट किया, हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम वो इन्वेस्ट, जब भी हमें रिडेम्पशन करना होगा तब हम हमारे इन्वेस्टमेंट को एनकैश करते, क्या करते, एनकैश करते, एंड देन वी डू द रिडेम्पशन प्रोसीजर. एंड फाइनली आफ्टर द रिडेम्पशन प्रोसीजर इज फुल्ली ओवर, DRR, हमें इवन DRR में भी बैलेंस ट्रांसफर करना रहता है, प्रॉफिट का क्या करते हैं, प्रॉफिट का 25% हमें क्या करना है, 25% अमाउंट जो है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, DRR में. और एंड में व्हेन ऑल द रिडेम्पशन इज डन, हम क्या करेंगे, DRR में जो भी बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, DRR में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व. दिस कैन बी आस्क्ड एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेदर इट बी अ ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम, दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो होता ही है, ऑनलाइन में पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑफलाइन में भी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है. एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड देयर कि DRR का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है, इट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कहाँ पे ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व में. सो लेट अस फर्स्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज. तो पहला जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट मेड एट 15% ऑफ द फेस वैल्यू of debentures to be redeemed. हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते, tell me इन्वेस्टमेंट करते तो what goes out? When you are doing a investment, what you should have to do investment? अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए, तो इन्वेस्ट करोगे तो वो कैश बाहर जाएगा, करेक्ट. एंड दिस डिबेंचर, इसको हम बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट नोन, डिबेंचर रिडेम्पशन
इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, असेट या लाइबिलिटी? इन्वेस्टमेंट इज अ असेट और अ लाइबिलिटी. इट्स अ असेट. असेट हैज विच बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट बैलेंस होता है. कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है असेट्स को. तो ये कहां पे आएगा? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट में आएगा. क्योंकि हम ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज अवर पर्पस टू डू सो वी विल सी द लेट अस सी द जर्नल एंट्री. मैंने क्या बोला, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इज अ असेट. वो क्रिएट हो रहा है. ये क्यों क्रिएट हो रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो वी विल राइट डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. एंड वॉट विल गो आउट? एंड ये कितना परसेंट होगा? हम देखो, हम लोग है ना, टेल मी, रिडेम्पशन से पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे या रिडेम्पशन होने के बाद? टेल मी, अगर हम इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन करने के लिए कर रहे हैं तो रिडेम्पशन से पहले ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. दिस रिडेम्पशन वी आर डूइंग, सॉरी, दिस इन्वेस्टमेंट वी आर डूइंग फॉर रिडेम्पशन. क्योंकि रिडेम्पशन करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो ये इन्वेस्टमेंट विल बी बिफोर रिडेम्पशन. सो सपोज वी हैव टू डू दिस ऑन 30th April. सपोज या कौन से डेट में करेंगे कि नेक्स्ट बिफोर रिडेम्पशन कितना अमाउंट करना है? 15%. कितना? जितना भी डिबेंचर मैच्योर होने वाला है ये ईयर एंड में, उसका 15% विल बी अवर इन्वेस्टमेंट. एंड इसके बाद अवर नेक्स्ट एंट्री, द टाइम हम क्या करने वाले. सी, वेन एवर वी डू अ इन्वेस्टमेंट ईयर एंड में, वो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? जब हम इन्वेस्ट करेंगे इंटरेस्ट मिलेगा. तो हम लोग क्या, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. अब इंटरेस्ट है, इनकम है या एक्सपेंस है? ये इंटरेस्ट जो हमें इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, इट्स अ इनकम. एंड व्हेन वी रिसीव दिस इंटरेस्ट व्हाट विल कम? ये इंटरेस्ट जब हमें मिलेगा तो कैश विल कम. डेबिट व्हाट कम्स इन? सो ये रहेगा कैश. This is done. ये हो गया सब. इसके बाद ईयर एंड में एक और चीज वी विल डू, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट. हमें DRR क्रिएट करना है. व्हाट वी हैव टू क्रिएट? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर आवर प्रॉफिट्स टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. बट विच प्रॉफिट? Divisible profit. What is divisible profit? Profits which are free, which can be distributed for the purpose of distribution of dividend. Free reserves ko ye divisible profit we have discussed when we were doing redemption of preference shares. Wahan pe starting mein maine aapko divisible profits ke examples diye the. And jo divisible profit nahi hai uske bhi examples likh ke diye the. You can refer that what I had given. And now what is the next step for transfer of profits from divisible profits?
नाउ टेल मी, डिविजिबल प्रॉफिट्स को यूज करेंगे तो वो ज्यादा होगा कि कम होगा? डिविजिबल प्रॉफिट्स को यूज किया, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट यूज किया, यूज किया तो कम हो जाएगा, पर ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये हमारा रिजर्व असेट है या लाइबिलिटी है? रिजर्व क्या है, असेट या लाइबिलिटी? वेयर डू यू राइट दिस रिजर्व एंड सरप्लस? इन द लाइबिलिटी साइड. तो लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस. सो यूज हो जाएगा तो क्रेडिट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो डेबिट में लिखेंगे. तो डेबिट में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व, and what will get created, the debenture redemption reserve. Now we can कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन. अब हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन का प्रोसेस कैरी करेंगे. तो पहले तो ड्यू करते, फर्स्ट बिफोर पेइंग अमाउंट ऑन रिडेम्पशन हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन में पैसा पे करने से पहले सीयर वन एंट्री. Here I want to take कि डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करने से भी पहले, रिडेम्पशन का प्रोसीजर कैरी करने से पहले हम क्या करते हैं, हमने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है, ये इन्वेस्टमेंट को हमें एनकैश करना होता है. क्या करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो हम रिडेम्पशन स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू एनकैश our investment. What do you mean by encash our investment? Means sell those investment. तो पैसा चाहिए ना redemption के लिए, तो redemption करने से पहले what we will do, we will encash our investment. What we will do, we will encash our investment. Investment encash. अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट एनकैश करेंगे, सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट कैश. एंड दिस इन्वेस्टमेंट जो डेबिट में है वो रहेगा या वो कैंसल हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा. तो डेबिट का उल्टा, इट विल कम इन द क्रेडिट. सो एनकैश का एंट्री है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश बैंक अकाउंट डेबिट and to this debenture redemption investment so this is for encash. नाउ हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. तो पहले कैश पे करने से पहले रिडेम्पशन में हम पहले ड्यू करते, सो अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू और पेबल ऑन रिडेम्पशन. सी, जब रिडेम्पशन करेंगे तो डिबेंचर क्या हो जाएगा, रिडेम्पशन करेंगे तो डिबेंचर क्या हो जाएगा, पैसा वापस करेंगे तो रहेगा या कैंसल हो जाएगा? कैंसल होगा. डिबेंचर इज क्रेडिट बैलेंस, डिबेंचर इज क्रेडिट बैलेंस, कम होगा तो डेबिट करेंगे.
So debenture account debit to किसको पैसा मिलेगा? होल्डर्स अकाउंट. अगर प्रीमियम रहेगा तो डेबिट में प्रीमियम और रिडेम्पशन भी दिखाना पड़ेगा. सो हम क्या करते हैं, अगर अगर इफ इट इज पार, रिडेम्पशन एट पार, सो इट विल बी ओनली दिस मच. डिबेंचर का पैसा ही सिर्फ पे करना है. किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर्स को. लेकिन अगर प्रीमियम भी रहेगा तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा. क्या आ जाएगा इधर? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. करेक्ट दिस एंट्री, बट ऑलरेडी आई हैव गिवन दिस एंट्री. वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर. सी हियर, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. प्रीमियम का देखा है, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट का एंट्री भी देखा है. डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ये कब होगा? इफ इट्स वेरी रेयर सिचुएशन, इफ इट्स अ रिडेम्पशन एट डिस्काउंट. अगर रिडेम्पशन डिस्काउंट में है तो ये एंट्री, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम में है तो ये एंट्री, और अगर पार में है तो अभी जो हमने एंट्री के पास किया है यहाँ पे, दिस इज द एंट्री. इफ डिबेंचर इज रिडीम्ड एट पार, डिबेंचर कैंसल होगा और किसको मिलेगा पैसा? डिबेंचर होल्डर को. तो इसके बाद डायरेक्टली वी विल डू, because we have already passed the entry of DRR, debenture redemption reserve ka to already ho gaya. Redemption of preference share mein kya karte the? CRR, capital redemption reserve. Aur debenture mein kya hai? DRR, debenture redemption reserve. Ab finally hum kya karenge? Payment due ho gaya. Kitna paisa pay karna hai hame samajh mein aaya? How much amount to be paid on redemption? समझ में आया? अब क्या करेंगे? Payment on redemption. See, when we will pay, what will go out? Who will get the money? Debenture holders will get the money. So ये credit का क्या हो जाएगा? Debit हो जाएगा. And what will go out? To cash bank account. To cash bank account. This is finally debenture का payment हो गया. Later last one. Last entry क्या रहेगा? Payment is done. Suppose full redemption is done. इसके बाद DRR को रखने का मतलब है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कुछ तो बैलेंस रहेगा, तो वो बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे टू जनरल रिजर्व. कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टू जनरल रिजर्व. व्हेन ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, जब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो गए तो हम क्या करेंगे? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इस लाइबिलिटी रिजर्व है. रिजर्व मतलब क्या? लाइबिलिटी है. CRR भी रिजर्व है. रिजर्व मीन्स लाइबिलिटी. तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट का अपोजिट डेबिट. और इसका पैसा कहाँ पे आ जाएगा? इसका पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इसका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा टू जनरल रिजर्व. कहाँ ट्रांसफर होगा? एंड जनरल रिजर्व इज अ रिजर्व लाइबिलिटी,
और लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, ये क्रिएट हो रहा है, इसमें पैसा इंक्रीज हो रहा है। डीआरआर में जितना भी पैसा है सब कहां पे आएगा? जनरल रिजर्व में। दिस इज द लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप। आफ्टर ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, डीआरआर का पैसा हम कहां ट्रांसफर करेंगे? डीआरआर का पैसा हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। कहां? जनरल रिजर्व में। विद दिस जर्नल एंट्रीज आर डन। So now after journal entry, let us come to this next sum. X Limited had issued on 1st April 2015 20,009% debentures of rupees 100 each. इसमें 20,000 क्या है? Numbers है debentures का। ये 9% क्या है? Rate of interest. डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है, तो ये 9% डिबेंचर का इंटरेस्ट का रेट है। मींस अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको हार्डली 6.5% इतना 6.5 मैक्सिमम मतलब 5 से 6% के बीच में इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये कंपनी के डिबेंचर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो हाउ मच परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन? 9%. So greater than, and the risk also is not very, risk is there but not very high like equity shares. So aap public can chose to invest in the debentures. So 20,000 9% debentures of rupees 100 each redeemable by draw of lots. मतलब एक ही बार में रिडेम्पशन नहीं हो रहा है। रिडेम्पशन विल नॉट हैपन एट वंस, रिडेम्पशन विल बी एट लॉट्स, ड्रॉ ऑफ लॉट्स एज अंडर, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में रिडेम्पशन होगा। तो कैसे होने वाला है? ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2015 में इश्यू हुआ, 1st April 2015। रिडेम्पशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 31st March 2017 में 15%, कितना? 15%। उसके बाद 31st March 2018 को 25%, बट किसका? नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर जितना भी है उसका 15% तभी रिडीम होगा 31st March 2017 में, और बाकी 25% कब होगा? 31st March 2018 में, और 31st March 2019 में 15%, 31st March 2020 में 25%, 31st March 2020 में 25%, एंड 31st March 2021 में 20%। सबको ऐड करो, 15%, 25%, 15%, 25% and 20%, you will get 100%. Means पूरा का पूरा डिबेंचर्स रिडीम हो गया। तो हमें डिबेंचर्स को कैसे रिडीम करने वाले? एक बार में नहीं, लॉट्स में। कैसे? लॉट्स में, इंस्टॉलमेंट में। हाउ मच? अवर क्वेश्चन इज हियर, हाउ मच मिनिमम इन्वेस्टमेंट or a deposit should be made by X Limited as per the Companies Act 2013 before redemption of debenture, when should it be made? So hamara question kya pucha gaya hai, that how much minimum investment, minimum investment kitna hota hai? 15%. Minimum investment kitna hota hai? 15% of the number of amount of debentures that will be redeemed in the year end. मतलब ये year end में जितना भी debenture redeem होने वाला है उसका 15% हम invest करते हैं। तो हमारा पहला question पूछा गया है कि minimum investment कितना करेंगे जितना भी redeem होने वाला है। पहले साल में 15% debentures redeem होने वाला है, उसका 15%
हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरे ईयर में डिबेंचर्स का 20,000 × 100 दैट इज 20 लाख, उसका 25% रिडीम होने वाला है, उसका 15% इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब जितना भी डिबेंचर्स रिडीम होगा उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 15%। कितना करना है? 15%। एंड दे आस्क व्हेन इट शुड बी डन। डेट क्या है इन्वेस्टमेंट करने का? 30th April। कभी? 30th April ऑफ द प्रीवियस ईयर। 31st March को अगर, 31st March को अगर रिडेम्पशन होने वाला है तो मैक्सिमम 30 अप्रैल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है? 30 अप्रैल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना है मैक्सिमम, उसके बाद में, उससे पहले से हमें इन्वेस्टमेंट करके रखना है। कितना इन्वेस्टमेंट? नॉट लेस देन 15%, एटलीस्ट 15%। सो लेट अस हियर राइट दिस रिडेम्पशन ड्यूरिंग द ईयर एंड। कौन सा ईयर एंड में रिडेम्पशन होने वाला है? ईयर एंड क्या है? पहला 31st March 2017। इसका इन्वेस्टमेंट कब तक होना चाहिए? हाँ, तो कब तक? कौन, विच इज द डेट? 30 April 2016। एक साल पहले मैक्सिमम 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो 30 अप्रैल, 30th अप्रैल। लेकिन बताओ 2017 में कर सकते हैं क्या? उसके एक दिन पहले तो रिडेम्पशन होने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट, तुम लोग भी बताया इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन से पहले होना चाहिए। सो ये 2000 और लास्ट डेट बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का 30 अप्रैल है। सो कौन सा ईयर होगा? 2016, राइट? प्रीवियस ईयर में। फिर नेक्स्ट ईयर 31st की मार्च के बाद अप्रैल आता है ना, तो अप्रैल 30 अप्रैल को ये साल में इन्वेस्टमेंट किया, क्यों? नेक्स्ट ईयर 31st March में ही रिडेम्पशन होने वाला है। तो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग? कितना परसेंट? 15% ना। तो कितना डिबेंचर्स है? 20,000 × 100 विच इज हाउ मच? 20 लाख। उसका कितना परसेंट? 15%। क्या अमाउंट आ रहे? क्या अमाउंट आ रहे? आर यू गेटिंग 3 लाख? यर यू आर गेटिंग 3 लाख। अब ये 3 लाख इतना डिबेंचर्स रिडीम होने वाला है, इतना डिबेंचर्स मैच्योर होने वाला है, बोलो रिडीम होने वाला है, बोलो दिस डिबेंचर विल रिडीम। तो इसका कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना? जितना भी डिबेंचर रिडीम होगा, मैच्योर होगा, उसका 15%। So we will write here 15% of how much? 3 lakh. How much answer you get? 15% of 3 lakh. Are you getting 45,000? So itna investment karna hai kab tak? 30 April 2016 maximum tab tak. Okay? नाउ नेक्स्ट ईयर में कितना रिडेम्पशन होने वाला है? 25%। व्हाट इज द डेट? व्हाट इज द ईयर एंड डेट? 31st March 2018, विच इज द डेट, विच इज द डेट, मैक्सिमम डेट, जब तक टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तो पता है 30th अप्रैल से पहले पहले होना चाहिए, लेकिन कौन से ईयर के? अगर ये 2018 में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, 2018 में, तो ये 2017 में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एंड हाउ मच परसेंट?
20,000 into 100, which is we have already calculated 220 lakh ka kitna percent 2018 mein 25%, which is how much? 5 lakh. To hame mila 5 lakhs. So again, जितना भी मैच्योर होगा उसका एटलीस्ट 15% मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 15%. सो 15% ऑफ रुपीज 5 लाख, हाउ मच यू आर गेटिंग हियर? 75,000. गॉट दिस? तो मिनिमम 75,000 का हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है. करेक्ट, इन्वेस्टमेंट करना. नेक्स्ट, व्हाट इज द डेट? 2019 है ना, 31st March 2019. आई विल कॉपी दिस. इसका इन्वेस्टमेंट कब तक होना चाहिए? 30th April 2018. करेक्ट. अब इसका कितना परसेंट है? अगेन 15%. सो 20 लाख का 15% कितना आएगा? ऑलरेडी वी हैव डन 20 लाख का टोटल रिडेम्पशन के लिए डिबेंचर है 20,000. उसका नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज, फेस वैल्यू है 100 रुपीज. सो 20,000 into 100 भी हमें मिलता है 20 लाख. और रिडेम्पशन मैच्योरिटी के लिए है ये ईयर में 15%, विच इज कमिंग टू रुपीज. तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सेम होगा ना, 3 लाख का 15%, विच इज कमिंग टू 45,000. नाउ नेक्स्ट कौन सा डेट है? 31st March 2020, 25%. 2020 में कितना है? 25%. सो इसका इन्वेस्टमेंट कब तक होगा? यस, 2019 मीन्स 1 ईयर प्रायर ना. लेकिन 11 मंथ, जैसे यू सेड 11 मंथ्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते. तो इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल तक मैक्सिमम होना चाहिए. सो अगेन कितना परसेंट? 25% ना. 25% कितना आंसर आ रहा है? और 15% ऑफ 5 लाख इज हाउ मच? सो नेक्स्ट व्हाट इज द डेट? 31st March 2021, and percentage is 20. So here again 30th April 2020 ने एक साल पहले, अभी 20 लाख का 20% निकालो, 4 लाख. करेक्ट आंसर. एंड 4 लाख का 15% निकालो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग रुपीज 60,000. सो दिस वॉज द थिंग आस्क्ड, दिस मच वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. And we have completed that. With this, this sum is done. Thank you very much, everyone.